सुप्रभात बच्चों, ये आपकी हिंदी की कक्षा है और हिंदी में आज हम पुनरावृत्ति शुरू करेंगे। तो पुनरावृत्ति क्या होती है? रिवीजन करेंगे। तो जैसे कि आपके अभी PT1 शुरू होने वाले हैं और हम आज रिवाइज करेंगे हमारी कविता आओ समिल गाय, आओ समिल गाय। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे कविता का पठन, कि कविता को समझेंगे कि हमारी कविता में क्या है, और उसके बाद हम अपना बाकी का एक्सरसाइज करेंगे। तो आप सभी बच्चे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक खोलेंगे, अपनी कविता आओ समिल गाय। तो बच्चों चलो अब हम कविता गाएंगे अपनी, क्योंकि ये कविता है तो हम इसे गाएंगे, और हमारी कविता है आओ सब मिल गाएं। आओ सब मिल गाएं, आओ सब मिल गाएं, नन्हे नन्हे कदम बढ़ाकर आगे बढ़ते जाएं। मीन्स आओ सब हम मिलकर गाएंगे, और जो हमारे नन्हे नन्हे यानी कि छोटे छोटे जो कदम हैं यानी कि पैर, उनसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए आगे क्या है, देखें बाग बगीचे सारे दुनिया घूम कर आएं, कितने भी ऊंचे हों पर्वत ऊपर चढ़ते जाएं। मीन्स देखिए वो बच्चे जो हैं वो दुनिया के जितने भी बाग बगीचे हैं वो सारे बाग बगीचे देखना चाहते हैं, और पूरी दुनिया वो घूमना चाहते हैं। और वो क्या चाहते हैं कि कितने भी ऊंचे पर्वत हों यानी कि कितने भी ऊंचे पर्वत क्या पहाड़ हों, वो उसके ऊपर चढ़ते ही जाएं, मतलब रुके नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बेटा, अब देखिए आगे क्या है, चांद सितारों तक हम पहुँचें, चांद सितारों तक हम पहुँचें, ऐसे उठते जाएं। देखिए चांद सितारों तक पहुँचना चाहते हैं बच्चे, मीन्स वो जब ऊपर चढ़ते हैं पर्वत पर चढ़ते हैं तो वो रुके नहीं, और वो चाहते हैं कि वो चांद सितारों तक पहुँच जाएं, मीन्स आसमान तक वो पहुँच जाएं। लिए हाथ में हाथ सभी के गीत खुशी के गाएं, और वो अकेले नहीं चलना चाहते, वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, और गीत मतलब गाना, जैसे हम गाना गुनगुनाते हैं ना, तो ऐसे ही वो गीत खुशी के गाना चाहते हैं। नन्हे नन्हे कदम बढ़ाकर आगे बढ़ते जाएं, सारे जग में नाम देश का सूरज सा चमकाएं। मैं जो बच्चे हैं वो सारे जग में यानी कि सारी दुनिया में और या पूरे संसार में अपने देश का नाम सूरज की तरह चमकाना चाहते हैं, जैसे सूरज चमकता है ना और सब जगह दिखाई देता है, ऐसे ही वो अपने देश का नाम सूरज की तरह चमकाना चाहते हैं जिसे कि पूरी दुनिया जाने। तो ये थी हमारी कविता, अब हम अपना आगे की एक्सरसाइज करेंगे। अपनी कविता पढ़ी आओ सब मिल गाएं, इसमें जो बच्चे होते हैं वो क्या है, वो दुनिया घूमना चाहते हैं, वो पर्वत चढ़ना चाहते हैं, वो आसमान को छूना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारी कविता बहुत अच्छी कविता थी हमारी, और हमने इसमें बहुत नए तरह के शब्द सीखे। तो जो नए तरह के शब्द हैं उनके कुछ डिफिकल्ट शब्द थे जिनके अर्थ हम अब जानेंगे, जो हमने कविता में पढ़े हैं उन शब्दों के अर्थ अब हम यहाँ पर जानेंगे। तो हमारी कविता में जब पहला शब्द आया था कठिन, नन्हे नन्हे, जैसे बच्चे कहते हैं ना नन्हे नन्हे कदम बढ़ाकर आगे बढ़ते जाए, तो नन्हे नन्हे क्या होते हैं, क्योंकि देखो बच्चे छोटे होते हैं तो उनके कदम कैसे होते हैं, छोटे छोटे, तो नन्हे का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, छोटे 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 छोटे। अगला कदम, कदम किसे कहते हैं, कदम होते हैं हमारे पांव या पैर, तो हम लिखेंगे पांव, कदम का अर्थ होता है पांव। और हम इनको पैर भी कहते हैं। अगला शब्द है हमारा गीत, गीत किसको कहते हैं, जैसे बच्चों ने कहा था कि गीत खुशी के गाएं, तो गीत मतलब गाना, तो गीत का अर्थ क्या हुआ, गाना। अगला शब्द है हमारा जग, कविता में आया था ना जग घूम कर आए, तो जग मतलब दुनिया या संसार, हम लिखेंगे दुनिया
और जग को हम और क्या कहते हैं, संसार। अगला शब्द है हमारा पर्वत। पर्वत क्या होते हैं, पहाड़। पहाड़ को कहते हैं पर्वत। यस, पर्वत पहाड़। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं शब्दार्थ अपने। नन्हे छोटे छोटे, कदम पांव या पैर, गी गाना, जग दुनिया या संसार, पर्वत। हमने कविता पढ़ी अपनी, हमने उसके शब्दार्थ किए और अब हम करेंगे कविता से संबंधित अपने प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले पहला प्रश्न पढ़ेंगे, बच्चे क्या देखना चाहते हैं। बच्चे क्या देखना चाहते हैं, यस बच्चे बाग बगीचे देखना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चे बाग बगीचे देखना चाहते हैं। बच्चे बाग बगीचे देखना चाहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बच्चे कैसे गीत गाना चाहते हैं। बच्चे गीत गाना चाहते थे ना, कैसे गीत गाना चाहते थे, देखिए उत्तर क्या है, बच्चे खुशी ओके। दूसरा प्रश्न देखिए बेटा, बच्चे कैसे गीत गाना चाहते हैं। तो कैसे गीत गाना चाहते हैं बच्चे, आप उत्तर लिखेंगे बच्चे खुशी के गीत गाना चाहते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा, अगला प्रश्न क्या है हमारा, बच्चों के कदम कैसे होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों के कदम, देखिए कैसे होते हैं, बच्चों के कदम छोटे छोटे होते हैं। बच्चों के कदम छोटे छोटे होते हैं। तो फिर से पढ़ लेते हैं, बच्चों के कदम छोटे छोटे होते हैं। ओके बेटा, अगला प्रश्न देखिए, बच्चे किसका नाम चमकाना चाहते हैं। किसका नाम चमकाना चाहते हैं बच्चे, देखेंगे बच्चे देश का नाम चमकाना चाहते हैं। बच्चे देश का नाम चमकाना चाहते हैं। अगला प्रश्न, बच्चे ओके नेक्स्ट है हमारा, बच्चे किस पर चढ़ना चाहते हैं। किस पर चढ़ना चाहते थे बच्चे, पहाड़ पर। तो हम लिखेंगे बच्चे पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं। बच्चे पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं। तो ये हमारी पोयम अब हमारी रिवाइज हो गई है बेटा। आप सभी ये प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ को रिवाइज कर